क्लास 9 नेक्स्ट यूनिट है ग्रेविटेशन। तो हम पहले ये देखते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशन क्या होता है देखिए, या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर दो बॉडीज जिनके पास मासेज हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं विद सम फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दो बॉडी जिनके पास मासेज हों वो क्या करते हैं, दूसरे को अपनी तरफ पे अट्रैक्ट करती हैं, इट इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशन। ठीक है, तो न्यूटन्स का न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ लॉज ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ क्या बोलता है, अगर दो बॉडी जिनके पास मासेज हों, मासेज क्या होते हैं, द मैटर कंटेन बाय द बॉडी इज कॉल्ड ए मास। इसका मास मैं m1 ले लेता हूं, इसका मास m2, और इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं r। ये ला ये बोलता है जिनके पास मासेज हो वो बॉडी दूसरे को अपनी तरफ पे अट्रैक्ट करती हैं विद सम फोर्स, तो उस फोर्स का वैल्यू कितना, उस फोर्स का फार्मूला कितना है ये आपको निकालना है। तो लिख लीजिए एक बार, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज मासेज m1 इनटू m2, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज। तो हम फोर्स देखते हैं f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। F इज इक्वल टू, मैं k डाल सकता हूँ कॉन्स्टेंट के लिए, यहाँ पे g ले लेते हैं, m1 m2 by r square, where g is called, g का नाम क्या है, where g है, it is called universal universal gravitational constant यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इसका कुछ वैल्यू भी होता है, कुछ यूनिट्स भी होते हैं। देखिए जी निकाल सकते हैं, जी का वैल्यू होगा एफ आर स्क्वेयर बाई एम वन एम टू। यूनिट क्या होगा जी का, यहाँ से यूनिट ऑफ जी, फोर्स का होगा न्यूटन्स, डिस्टेंस का स्क्वेयर किया गया है तो मीटर स्क्वेयर बाई किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वेयर, मास क्या होता है किलोग्राम, तो आंसर हुआ न्यूटन्स मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, हर कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, इसका वैल्यू है 6.64 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन्स मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। This is the value of universal gravitational constant. Next point है इसका, simple सा point है, importance of gravitational force. कि कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जाता है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेचर का सबसे कमजोर फोर्स है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट भी कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इस फोर्स पे डिपेंड करता है। जितना भी जितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सन के अराउंड घूम रहा है विद सम दिस फोर्स भी, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ना होता तो सोलर सिस्टम का जो अरेंजमेंट हुआ हुआ है उस होता नहीं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है, तो सीज के अंदर जो टाइड्स उठती हैं इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ये बोलते हैं कि ये सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटी। ग्रेविटी एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स का ही पार्ट है, लेकिन इसमें एक बॉडी कंपल्सरी क्या होती है? अर्थ होती है। यानी ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, इट इज कॉल्ड ए ग्रेविटी। तो लिख सकते हो, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी बाय द अर्थ टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किसकी तरफ खींचती है? टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर की तरफ खींचती है किसी बॉडी को अर्थ। तो जिस फोर्स से खींचती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटी बोलते हैं। सिंपल है, फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट इसमें एक कंपल्सरी एक बॉडी क्या बन जाती है? अर्थ। दूसरी बॉडी कोई भी हो सकती है। अगर अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है विद सम फोर्स, इट इज कॉल्ड ए ग्रेविटी। इसी के अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल क्या होता है? अगर किसी बॉडी को छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप नीचे गिरेगी। किसके अंडर? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, इट इज कॉल्ड ए फ्री फॉल। तो लिख सकते हो, इन फ्री फॉल ए ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, एंड ए बॉडी इज कॉल्ड ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या नाम है बॉडी का? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री फॉल बोलते हैं। अगर कोई बॉडी गिर रही है सेंटर की तरफ अर्थ के, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। किसके अंडर? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। इसको स्मॉल जी से लिखते हैं हम लोग। एक कैपिटल जी आ चुका है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेरे पास चौक है, रेस्ट कंडीशन पे है, छोड़ दूंगा, इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग भी। तो क्या होता है, लिख लीजिए, इट इज द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलोइंग बॉडी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको स्मॉल जी से लिखते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ जी कैसे लिखेंगे? इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और वैल्यू क्या लिखते हैं इसका हम लोग मोस्टली एग्जाम्पल्स में? वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो ग्रेविटी क्या हो सकता है यहाँ से? ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्रेविटी मैंने क्या बोला था? ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हमको अपनी तरफ खींचती है। अगर बॉडी चल रही होगी तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स तो बनेगा ग्रेविटी वाला फोर्स एम। एक्सेलरेशन कौन सा यूज करेंगे? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एम जी। इसी ग्रेविटी को हम क्या बोल सकते हैं? इसको वेट बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। यानी वेट के एक्चुअल में ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को उसके सेंटर की तरफ खींचती है, इट इज कॉल्ड ए वेट। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए किसके बीच में? मास और वेट के बीच में। मास अलग है और वेट अलग चीज होती है। अगर इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करें तो पहला पॉइंट लिखते हैं डेफिनेशन का। मास क्या होता है? पहला पॉइंट लिखिए, मैटर कंटेन बाय द बॉडी इज कॉल्ड मास। एक बॉडी में क्या कुछ भरा पड़ा है वो क्या है? उसका मास। और वेट क्या होता है? ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑन द बॉडी बाय द अर्थ टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। पहला पॉइंट होगा डेफिनेशंस का दोनों का। दूसरा पॉइंट होता है इसका यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट होता है किलोग्राम। और वेट एक्चुअल में एक फोर्स है, इसका यूनिट होता है न्यूटन्स। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है,
जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शंस होती है, हम बोल रहे हैं बार बार टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नॉट जीरो और नेगेटिव, बट वेट जीरो हो सकता है। इट इज जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तीनों हो सकते हैं, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। बताएंगे डिपेंड करता है जी की वैल्यू के ऊपर। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी का वैल्यू जीरो होता है तो वहां पे वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। ये कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसका मास मैं कैपिटल एम ले रहा हूँ, ठीक है, और इस पर एक बॉडी रखी गई है यहाँ पे, जिसका मास मैं क्या ले लेता हूँ, स्मॉल एम, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस इसको बोलते हैं लोग, इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। मैं लिख देता हूं, लेट कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, आर क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर दो बॉडीज हैं पक्का उनके बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स फार्मूला क्या बनता है दो बॉडीज के बीच का, इट इज जी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी बाई डिस्टेंस का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर। इट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर लिखा जाता है। और दूसरी बात क्या है, इस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही होगी विद सम फोर्स, इट इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी, या वेट कितना होगा बॉडी का, एफ इज इक्वल टू एम जी, स्मॉल एम क्योंकि बॉडी पे लग रहा है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन फोर्स की हैं, दोनों बॉडी के लिए हैं, तो सॉरी दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, बराबर हो सकती हैं, तो राइट भी क्या होंगी, बराबर। तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं लिख सकता हूँ एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वेयर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम काट दीजिए, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर। इट इज अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब इस रिलेशन में चेक कीजिएगा, कहीं पे भी मास ऑफ द बॉडी नहीं है, यानी अगर मेरे पास एक 5 किलोग्राम की बॉडी है, एक 1 किलोग्राम की बॉडी है, उसको छोड़ दूँ एक साथ, तो दोनों बॉडी एक साथ ही नीचे आएंगी, क्योंकि दोनों के लिए जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ से आप वैल्यू ऑफ जी भी निकाल सकते हो, जी का वैल्यू को पता है, कैपिटल जी का मास ऑफ द अर्थ होता है 6.6 × 10^24 किलोग्राम, ये होता है 6×10^6 मीटर, ठीक है। आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा जी का, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वैल्यू भी आ जाएगी कि जी का वैल्यू कितना है, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें आप टॉपिक करते हैं कि जो बॉडी का वेट अर्थ पे है, तो उसको मून पे उठा के ले, मून पे लेके जाएं, तो उसका वेट कितना हो सकता है, लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, वेट ऑफ द बॉडी ऑन ए मून, कि मून पे कितना वेट होगा। अभी चेक करना होगा, मैं कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी कि मास कितना है, रेडियस कितना है। तो मान लेते हैं लेट स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द मून, मास ऑफ ए मून, और स्मॉल आर क्या है, ये ले लेते हैं रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ ए मून। अब अर्थ के मास में और रेडियस में और मून के मास और रेडियस में रिलेशन क्या है, देखिए कैपिटल एम ले लेता हूं, ये है मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का मास है वो मून के मास का 100 टाइम है, यानी अर्थ मून से 100 टाइम्स मासिव है।
तो 100 टाइम मास ऑफ द मून, आर ले लेते हैं, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है वो उसका रेडियस मून के रेडियस का 4 गुना है, 4 टाइम रेडियस ऑफ द मून, ठीक है। यानी जो अर्थ है वो मास से 100 टाइम मासिव है, ज़्यादा मास उसका, और रेडियस जो है अर्थ का, जो रेडियस है अर्थ क्या है, मून से 4 गुना बड़ी है, या बोल सकते हो 4 गुना बड़ी है। तो अगर हम जी की बात करते हैं, स्मॉल जी की, ऑन अर्थ ऑन मून, तो कितना वैल्यू होगा, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें जी जो है ये अर्थ के लिए है, अभी इसका फॉर्मूला क्या था, जी मास ऑफ द अर्थ बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं लिख सकता हूं m का वैल्यू, m का वैल्यू कितना है, 100 m के बराबर है, तो g इंटू 100 m स्मॉल बाई r, कैपिटल r क्या है, 4 r के बराबर है, यानी 4 r स्क्वेयर, यानी मेरा g ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 100 ऊपर से निकाल लिया, g m बाई 4 का स्क्वेयर 16 हो गया, 16 इंटू आर स्क्वेयर, यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मून की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, तो जी एम ले लेते हैं उसके लिए, जी फॉर मून, जी एम फॉर मून, जी मास ऑफ द मून कितना है, m बाई रेडियस ऑफ मून कितना है, r का स्क्वायर। अब दो इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों को करते हैं कंपेयर। अब ये जो फार्मूला लग रहा है यहां से, जी एम बाई आर स्क्वेयर, जी एम बाई आर स्क्वेयर, इसको जी एम ले सकता हूं इस पूरे, यानी g ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 100 बाई 6 जी ऑफ मून, जी ऑफ मून, यानी कितना आंसर होगा, जी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे आंसर 6 point something आएगा, मैं 6 ले लेता हूँ, 6 जी एम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून एंड अर्थ। तो वेट का कितना होगा, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, अर्थ पे कितना वेट होता है, इसको लिखते हैं W, वेट ऑन अर्थ, W E ले लेता हूँ, mg से लिखते हैं, मास ऑफ द बॉडी इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, मून पे चेक करते हैं, फॉर्मूला वही बनेगा, वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू जी ऑफ मून, इसको जी एम ले लेते हैं, हमको पता है जी एम इज इक्वल टू कितना होता है, 1/6 की वैल्यू के टर्म में आएगा। तो देखिए वेट ऑन द मून इज इक्वल टू एम, व्हाट इज जी एम, भी जी एम का वैल्यू है 1/6 जी ई, 1/6 जी ई, ठीक है, या जी ले लेते हैं, इसके बाद जी ई है यहाँ पे अर्थ के लिए, जी ले लेते हैं, तो इट इज वेट ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/6 एम जी ई, यानी मैं ले सकता हूँ वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, यानी जो वेट अर्थ पे होगा बॉडी का उसका 1/6 कर दें तो वही वेट कहां पे होगा, मून पे होगा, ठीक है।